प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हरी धनिया की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, 2 कट धनिया को धो के काट के लिया है, लाल मिर्ची 1/32 तक लाल मिर्ची लिया है, स्वाद अनुसार नमक, इमली, नींबू जितना बड़ा इमली लिया है, तेल, सरसों, राई, हींग, मेथी और सरसों भून के पाउडर बना के लिया है, गुड़, जितना इमली लेते उतना ही गुड़। अभी पहले लाल मिर्ची को भून लेंगे। 1 स्पून तेल डाल के लाल मिर्ची को भून रही हूँ। थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तो मिक्सी करने में अच्छा लगेगा, इसीलिए भून के लेते हैं। देखिए ये भून गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ठंडा करके इसको मिक्सी में डाल के देखिए ऐसा पहले दरदरा पीस लेते हैं। तो 2 बार डालना पड़ता है, तो आधा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। गुड़ डाल रही हूँ, नमक, इमली भिगा के वो भी इसमें डाल रही हूँ पीसने। अब इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा नाइस पेस्ट हो गया है। अभी जो बचा हुआ है ना उसको भी डाल के पीस लेंगे। इसको भी अभी पीस लेंगे। कुकर में मोटा रहने से, तला मोटा रहने से जलेगा नहीं, इसलिए मैं कुकर लिया है। कुकर में तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद राई, हींग, देखिए ये मिक्सी किया हुआ इसमें डाल रही हूँ। मेथी सरसों का पाउडर डाल रही हूँ। इसको पकाएंगे, ये 1.5 घंटा तो लगेगा पकने में। देखिए इसी तरह से कड़ी पत्ता का चटनी भी डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही बनता है। इसमें धनिया डालती हूँ और उसमें कड़ी पत्ता डाला है। अभी देखिए ये तैयार हो गया है। देखिए इस कंडीशन तक ये पकना चाहिए, तेल छूटना चाहिए। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। धनिया की चटनी रेडी हो गया है। ये 2 महीना तक हम रख सकते हैं। जैसे अचार में पानी वाला स्पून नहीं डालते हैं, ऐसे इसी में भी पानी वाला स्पून नहीं डालना चाहिए। ये ठेपला में चपाती चावल के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए धनिया की चटनी रेडी।